नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व सैनिकों के हितों के लिए इनेलो सरकार कर रही है पुरजोर मांग। आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश के पूर्व सैनिकों को पैरा सैनिकों के हितों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। कैथल से मीडिया से बातचीत करते हुए इनेलो के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खुराना ने कहा कि देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सैनिकों और देश प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी निष्ठा से नौकरी करने वाले जवानों को सरकार सभी सुविधाएं मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि इनेलो ने अपनी पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों को पार्टी से जोड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सैनिकों को अपनी मांगों को लेके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, जो कि सैनिकों को और देश के लिए गलत है। उन्होंने कहा कि देश पर शहीद होने वाले बहादुर सैनिकों के परिजनों को अच्छी सहायता राशि के साथ साथ अच्छे स्तर पर नौकरी जरूर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी तो आने वाले समय में युवा पीढ़ी का सेना और पुलिस में जाने का रुझान रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इनेलो पार्टी की सरकार ने और सरकार बनते ही पूर्व सैनिकों को अधिक सुविधाएँ दी जाएंगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। वो आगे मुद्दे उठाते हैं, इसी मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर है आर्मी का, जिसके जरिए हमारी जो मांगे हैं वो नेशनल लेवल पर भेजी जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश में रहते हुए हमारे मुद्दे जो प्रदेश सरकार ने हल करने हैं और जो नहीं सैनिकों के लिए जो मांगे अभी ध्यान में हैं, एक तो ये है कि हरियाणा के अंदर जॉब रिजर्वेशन जो सैनिकों के लिए नियुक्त है वो कोटा हमेशा अनफिल्ड रहता है, उस कोटे को पूरा किया जाए। दूसरा, जो पेंशन है, समान पेंशन है, वो सैनिकों को भी मिलनी चाहिए। तीसरा, जैसा कि इधर भाग सिंह साहब ने बताया, जिस मुताबिक कोई स्पोर्ट्समैन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, जो हमारे शहीद होते हैं उनकी जो शहीद को मिलने वाली राशि है वो बढ़ाई जाए, हो सके तो 1 करोड़ रुपया की जाए, ताकि जो शहादत देता है उसके परिवार की ठीक तरीके से परवरिश हो सके और उनके बच्चों को भी आगे जॉब रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ताकि स्टेट का तो कोई मरता है उसको जॉब रिजर्वेशन मिल जाती है, लेकिन सैनिकों के लिए स्टेट के अंदर जॉब रिजर्वेशन का 3 करोड़, सिल्वर को 2 करोड़, 1 करोड़ बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय कदम। पर किसी भी गोल्ड मेडल के नीचे किसी शहीद की अगर गोल्ड मेडल को 3 करोड़ दे रहे हैं एशियाड में, ओलंपिक में नहीं एशियाड में, तो शहीद को कम से कम 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। हम दोबारा कल फिर गए थे, कल शहीद राजेश पुनिया की गुला के अंदर रस्म पकड़ी थी और वहाँ सरकार के भी स्थानीय विधायक मौजूद थे, हमने उनको भी गाड़ी में चलते हुए रोक के फिर ये सारी मांगे दोहराई हैं। उन्होंने सही तरीके से कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, वो बोले ठीक है सोच विचार करेंगे। इसके साथ में क्लास ने सरकार ने मेडल वालों को क्लास 2 के अंदर नौकरी देने का ऐलान किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है शहीद राजेश पुनिया का जो बड़ा भाई है रामपाल, उसकी उम्र 24 साल है, उसको क्लास 3 की नौकरी कम से कम तलाश दी। हमने स्थानीय विधायक से बात की कि साहब इसको आप नौकरी, उन्होंने बोला कि अभी DC8 पर भी दे देंगे, कागज पूरे होंगे तब इसकी आगे कार्रवाई हो जाएगी। हमने बोला, मैंने खुद बोला कि साहब नहीं, जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय है कि इसी कैथल जिले के अंदर